सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने यार फोटो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर और आप देखते हैं यार ये साइड में कुछ बॉर्डर सा आ जाता है और ये फोटो आपकी जो डायनेमिक लुक देना चाहती है वो फोटो आपकी डायनेमिक लुक नहीं दे पाती है, और अगर दूसरे तरीके से पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी ये फुल फ्रेम में आ गई, देन इसको बैक करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाती है। तो गाइस इस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये यार मैं पहले करता था, पहले मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था, तो अब आज मुझे इसके बारे में मालूम चल गया है, तो साथ ही मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो गाइस फुल फ्रेम में फोटो कैसे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, हम उसी बात को जानने वाले हैं। और गाइस उससे पहले अगर आपने मुझे गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस हम चलते हैं इसको किस तरीके से। गाइस अगर आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो आपके पास ये नॉर्मल सा ऐप होगा ही होगा, स्नैपसीड। स्नैपसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ये फोटो आ जाएगी। मुझे इस फोटो को पोस्ट करना है अपने इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, देन यहाँ पर टूल्स पर जाना होगा। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ आपको एक्सपेंड में क्लिक करना होगा। जैसे ही गाइस एक्सपेंड में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको साइड से इंक्रीज कर लेना, ये ऑटोमेटिक ये कलर सैचुरेशन सब ले लेगा। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे तो वहाँ पे जब आपकी ये फोटो पोस्ट होगी तो ये जो एक्सपेंड आपने किया है उस बैकग्राउंड को ये कट कर देगी। सो गाइस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेंगे, देन एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से हम इस फोटो को अपने यहाँ पर राइट क्लिक पर करते हुए इस फोटो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। सो एक्सपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पर सिंपली अपने इंस्टाग्राम पर जाएंगे, और इंस्टाग्राम पर खोलने के बाद मुझे ये पोस्ट अपने फ्रेंड की आईडी पर पोस्ट करनी थी। उसने कहा था यार गाइस एडिट कर दे यार भाई वीडियो, तो फोटो एडिट करते थे, फोटो एडिट करके पोस्ट कर रहा हूँ नहीं है इसकी। सो गाइस ये देखिए इस तरीके से आपकी ये पोस्ट आ चुकी है, और पोस्ट आते ही यहाँ पर अगर आप इस फोटो को सिलेक्ट करते तो यहाँ से ये क्रॉप हो जाती और इस तरीके से यार गड़बड़ होता है ये फ्रेम। तो ये गाइस देखिए ये सेकंड फोटो जो अपन ने एक्सपोर्ट की थी, और इसको इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से। ऐसा करने के बाद वहाँ पर जो आपका एक्सपेंड वाला ऑप्शन था वो यहाँ पर वर्क, सिंपली आपकी फ़ोटो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट होने के बाद एक बार हम यहाँ पर देखेंगे रिफ्रेश करके, इस तरीके का कुछ डायनेमिक लुक आपकी फ़ोटो पर आएगा। और यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका कट फ्रेम जो है फ्रेम को काटा नहीं गया है इस पर। सो इस तरीके से गाइस ये फ़ोटो पोस्ट करने का बेहतरीन तरीका था। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गाइस हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और गाइस यदि आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और गाइस मैं आपके क्वेश्चन या क्वेरी का सोल्यूशन जरूर लाऊंगा। आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।